ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यूके में ऑलरेडी किसी हेल्थ सेक्टर में किसी केयर होम में काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर आके किसी केयर होम में वो लोग काम करेंगे। तो दोनों केसेस में ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। यूके होम ऑफिस ने डिपोर्टेशन ईमेल सेंड करना शुरू कर दिया है। मैं आपको वो ईमेल भी दिखाऊंगा, वो कौन सी ईमेल है जो यूके होम ऑफिस ने की है, वो ईमेल लेटर कौन सा है जो गवर्नमेंट जो यूके होम ऑफिस इशू कर रहा है और यूके से निकलने का बोल रहा है। अगर आपने ये काम ना किया तो आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। तो बजाय आप बुरी तरह फंसे हैं, ये काम आप लाजमी कर लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादी खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आपको, आपने समझना है, उस पर अमल करना है। आपको पता है कि कॉल्स डिले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो सर है होम ऑफिस आपके केस को बहुत डीप में जाके स्टडी कर रहा है, बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहा है, उसके बाद जाके कॉल्स इश्यूज हो रहे हैं। बात करेंगे आज वो लोग जो हेल्थ सेक्टर में यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं और किसी केयर होम में काम कर रहे हैं, और वो लोग जो अभी यूके में नहीं आए लेकिन यूके आने का प्लान कर रहे हैं और आने के बाद किसी केयर होम में काम करेंगे। तो दोनों सिनेरियोज में, दोनों केसेस की मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी वो लोग जो लोग यूके में मौजूद हैं और किसी केयर होम में काम कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि आप अपनी ई मेल्स को रेगुलर चेक किया करें, अपने स्पैम फोल्डर्स को चेक किया करें, अपने प्रमोशन फोल्डर को चेक किया करें, अपना इनबॉक्स चेक किया करें कि कोई ईमेल आपको तो नहीं आई हुई। अगर आप यूके में रह रहे हैं तो ये काम आप लाजमी किया करें। अब यहाँ पे बात समझने की, यहाँ पे हुआ क्या है। बेसिकली एक गवर्नमेंट होम ऑफिस ने एक बंदे को ईमेल किया जी, वो ईमेल है जी डिपोर्टेशन की ईमेल। अब उस बंदे को ईमेल क्यों आई है, बेसिकली वो बंदा किसी केयर होम में काम कर रहा था, ठीक है ना, ये एक बंदे की बात नहीं कर रहा, ये सबके साथ ही ऐसा होना है। वो बंदे किसी केयर होम में काम कर रहा था जी, तो केयर होम का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, और उस बंदे को पता ही नहीं है कि मेरा जो केयर होम है इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, कंपनी ने भी इसको नहीं बताया, तभी तो उसको नहीं पता। अब हुआ क्या है जी, होम ऑफिस ने इसको ईमेल किया है, ईमेल में लिखा था कि आपके पास 60 डेज हैं, आपके पास 2 महीने हैं, आपने इन 2 महीनों में, क्योंकि आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो आपने इन 2 महीनों में या तो आप न्यू सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हमें कोर्स सबमिट करवाएं, न्यू जॉब ढूंढें सबमिट कराएं हमें कोर्स, या फिर आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। ये दो उन्होंने ऑप्शन दिए थे उस बंदे को। 60 दिन का टाइम था, 60 डेज थे, 2 महीने का टाइम था, उस बंदे ने ईमेल ही चेक नहीं की, अपनी ईमेल चेक नहीं की। जब लास्ट डेज चल रहे थे तकरीबन 2.5 वीक, मैं आपको जाके ईमेल दिखाऊंगा वो कौन सी ईमेल आई थी, ठीक है ना, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा वो लेटर दिखाऊंगा वो जो आया था। तो जब उसने वैसे ही लॉगिन किया अपनी ईमेल में, वैसे ही उसका ख्याल आया होगा, जैसे जब चेक किया तो उसने देखा कि गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियली ईमेल आई हुई थी होम ऑफिस से कि आपके पास 2 मंथ्स हैं। जब उसने डेट कैलकुलेशन की कि जब ईमेल आई थी उस डेट से लेके अब तक, तो तकरीबन उसके पास 2.5, तकरीबन 2.5 हफ्ते उसके पास रह गए थे 8 हफ्तों में से। तो अब वो सर पकड़ के बैठ के कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं जो है ना मैं न्यू जॉब सर्च कर सकता हूँ 2.5 हफ्ते में, और या तो मैं वो जाना भी नहीं चाह रहा था वापस के, मैं वापस अपने कंट्री में जाऊं, तो यहाँ पर आके वो फंस गया। तो आपने एक बात यहाँ पे जहन में रखनी है, मैंने पहले भी कहा था कि आपको अपनी ईमेल्स रेगुलर बेसिस पे चेक करनी चाहिए, चाहे आप अभी पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, आप अपने इस कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, तब भी आप ईमेल चेक करें, क्योंकि आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं जो लोग कोर्स का वेट कर रहे हैं, और वो लोग जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं उनको भी चेक करना चाहिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंपनी का लाइसेंस रिव्यू कर ले गवर्नमेंट और लाइसेंस कैंसिल कर दे, तो आप उस सिनेरियो में क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कम से कम आपके पास डेज होंगे। उसी बात वो लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, उनको एक बात समझने की है कि अगर आपको ज़रा सा भी डॉजी फील हो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस केयर होम में आप काम कर रहे हैं, या तो आपको वो लगे कि वो सैलरी टाइम पर पे नहीं कर रही, आपको डाउट हो या आपको पता हो कि वो जो सा है उनके पास वर्किंग आवर्स नहीं है, या तो उनके पास क्लाइंट्स नहीं है, आपको वो सैलरी पूरी पे कर रहे हैं लेकिन जो आवर्स है आपको वो 8 घंटे का पे कर रहे हैं, लेकिन काम आपसे वो 5 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का ले रहे हैं,
वक्ती तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये मैं वार्न करूँ आप लोगों को कि वो केयर होम बंद हो सकते हैं। आप इस चीज़ को लेके खुश ना हो कि आप कम काम कर रहे हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। आपको बाद में इस चीज़ का नुकसान होगा, हो सकता है कि बाद में कंपनी खुद यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड ना कर सके तो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाए। तो इस सिनेरियो में आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा या फिर आपको नया सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप देना पड़ेगा। तो बजाय जब आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाए और फिर होम ऑफिस आपको ईमेल करे, उस वक्त आप जॉब ढूंढें। तो अगर आपको शुरू में डॉजी फील हो तो आप पहले से ही अपना बंदोबस्त करके रखें, प्लान बी अपना रेडी रखें अपना, क्योंकि आप अभी जॉब कर रहे हैं ना किसी सेक्टर में, तो आपको इजीली सेम सेक्टर पर रहते हुए आपको न्यू जॉब मिल जाएगी। आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको न्यू जॉब आराम से मिल जाएगी। आप बहुत सारे यहाँ पे वेरीफाइड ऑथेंटिक केयर होम्स हैं, जो केयर होम मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, उधर अप्लाई करें। इसके अलावा जो NHS है, NHS आपको पता है यहाँ का गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ है नेशनल हेल्थ सिस्टम, तो वहाँ पर आप जॉब अप्लाई करें। वो भी आपको केयर होम्स की जॉब, केयर असिस्टेंट की जॉब, सीनियर केयर वर्कर की जॉब आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई करें। अगर आपको फील हो रहा हो कि जो आपकी कंपनी है वो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो आपने ये काम लाजमी करना है कि आप अपनी ईमेल्स को लाजमी चेक किया करें, उनको पढ़ा करें, स्पैम फोल्डर को चेक किया करें कि कोई ईमेल तो नहीं आई हुई कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऑफिस की तरफ से, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको नहीं पता और आपको उन्होंने ईमेल की हुई हो। अब बात करते हैं जी उन लोगों के लिए जो लोग UK आने का प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग भी ज़रा गौर से इस बात को समझ लें। अब हुआ क्या जी, पिछले कुछ अरसे में चंद ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक मोस्ट रिसेंट एक वाक़या हुआ था कि एक कपल आया है जी, और वो जब अपने कंट्री से निकल आया है, उसका कोर्स निकल आया था, उसका वीज़ा इशू हो गया था, वो टिकट लेके UK लैंड कर गया। UK आने के बाद जब वो UK में जो एयरपोर्ट की जो इमिग्रेशन थी वहाँ पर जब वो गया, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे कुछ क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए। तो जब बाद में जब पता चला उनको, तो जब वो डिटेल में ऑफिसर को शक हुआ, तो ऑफिसर ने जाके ऑफिशियली जाके चेक किया कि किस कंपनी के लिए आए हैं, किस कंपनी में ये लोग काम करेंगे। तो फिर जाके रिवील हुआ कि जिस केयर होम के लिए वो लोग आए हैं वो केयर होम ही बंद हो चुके हैं जी। वो केयर होम का लाइसेंस ही गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया था, उसका कैंसिल कर दिया था लाइसेंस भी। तो वो उन बंदे को जो वो कपल आया था, उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि यार हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। तो UK आने के बाद उनको पता चला कि हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। तो ये चीज़ आपने भी ध्यान में रखनी है। सब के लिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग UK आने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो केयर वर्कर के अलावा भी किसी वीज़े पे, स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आ रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए आ रहे हैं, तो अपनी जो सा है तो ईमेल चेक किया करें रेगुलर, एक स्पैम फोल्डर चेक किया करें। और दूसरी चीज़ आपने ये काम लाजमी करनी है कि मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था अपनी, आप जाकर देख सकते हैं कि आप घर बैठे फ्री में आप ये चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो लीगली रजिस्टर्ड है या नहीं। जी बिल्कुल, आप घर बैठ के फ्री में चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। मैंने पूरा डेमो दिया है, कंपनी का नाम डाल के मैंने दिखाया है कि कंपनी कब बनी है, कंपनी का नेम क्या है, कोई प्रीवियस कंपनी का नेम था या नहीं था, और अभी कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, कैंसिल है, क्या है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं कि जब एजेंट आपको किसी कंपनी का किसी केयर होम का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करके देता है, निकलवा के देता है कि जी ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, तो आप उस कंपनी का नाम से सर्च कर सकते हैं जाके ऑफिशियली कि आया ये कंपनी का वाकई रजिस्टर्ड है भी, या एजेंट आपके साथ दो नंबरी तो नहीं कर रहा। और दूसरा अगर वायद कहता है कि वाकई कंपनी रजिस्टर्ड भी हुई, तो आप जाकर देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड कब से हुई हुई है लीगली, नई कंपनी तो नहीं है या वो पुरानी कंपनी है, ये नई कंपनी है। बहुत नई कंपनी होगी तो चांसेस है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर दे, चांसेस है कि बाद में जाके बंद हो जाए, चांसेस है कि जब आप UK आ भी जाएँ तो उसके बाद उसके पास काम करने के लिए आगे क्लाइंट्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी का स्टेटस अभी क्या चल रहा है, एक्टिव जा रहा है, इनएक्टिव है, कैंसिल है, क्या हुआ है, तो स्टेटस आप जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री में। अगर आप वीडियो को नहीं देखा तो आप कल की वीडियो को जाके मेरी आप सर्च कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, वो जो लेटर है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वो लेटर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ। बेसिकली इसमें लिखा हुआ क्या, इसमें लिखा हुआ है कि जी आपके पास जो आपका जो जिस कंपनी में आप केयर होम में काम कर रहे थे वो कैंसिल हो चुका है, लिहाजा आपके पास यहाँ से वो डेट मैंने ब्लर की हुई है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास यहाँ तक डेट है 2024 की। बेसिकली उन्होंने 2 मंथ का टाइम उसको दिया हुआ था कि 2 मंथ है जी, आप इसी 2 मंथ के अंदर आपने या तो कोर्स आपने नया प्रोवाइड करना है हमें, या फिर आप कंट्री को एग्जिट करें।
इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने कंट्री में वेकेशन के लिए गए हैं, हर बात को समझने आपने कि अगर आप अपने कंट्री में वेकेशन के लिए गए हैं, पीछे से अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो फिर तो फिर आप अपने यूके में वापस नहीं आ सकते। ये आप नीचे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, इमीडिएट इफेक्ट होगा, आप कंट्री में वापस नहीं आ सकते। तो अगर आपको मालूम हो रहा हो, शक पड़ रहा हो कि कंपनी डॉजी है, कंपनी सैलरी टाइम पे नहीं कर रही या कुछ इस तरह का चल रहा है और आपकी वेकेशंस प्लान है ऑलरेडी, तो आप उन वेकेशंस को पोस्टपोन कर दें। अब भी आप अपने कंट्री पाकिस्तान इंडिया जहाँ भी आपने जाना था, बस आपने कंट्री एग्जिट नहीं करना। अगर आपने कंट्री एग्जिट कर दिया उसके बाद भी अगर आपकी कंपनी कैंसिल होगी, वीज़ा जो स्टेटस है कैंसिल हो गया, तो आप यूके में इंटर नहीं हो सकेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। इसी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीज़े के रेलिवेंट मिलती रहे। मैं मोस्टली आपको यूके के वीज़े की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको जॉब्स रिकमेंड करता हूँ, जो जॉब्स आपको, जो कंपनीज आपको, जो केयर होम्स आपको स्पॉन्सरशिप जॉब प्रोवाइड करती हैं, जी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं विदाउट कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं करता, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की जॉब हो, चाहे वो जैसे वो नहीं ब्रिक लेयर्स होते हैं वो वाला काम हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे कोई प्लम्बर का काम हो, चाहे आपको नानदाई की जॉब हो, कोई बेकरी में काम करना हो, तो हर फील्ड की जॉब्स मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि कौन कौन लोग हैं जिनका अभी तक कोर्स नहीं निकला, वो वेट कर रहे हैं, और किन किन लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।